नमस्कार साथियों, मैं विकास तिवारी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। मेरे यूट्यूब चैनल VS मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फोकस। फोकस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप कोई भी काम कर रहे हो, उस पर आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। एक चील लाखों किलोमीटर, कई किलोमीटर दूर से, एक दो किलोमीटर दूर से वो अपने शिकार पर नज़र बनाए होती है और जैसे ही वह उसके पास आती है अपना शिकार कर लेती है। एक शेर की गति एक हिरण से स्लो होती है, फिर भी वह शेर उस हिरण का शिकार कर लेता है। आखिर ये सब कैसे होता है? इन सब का एक ही कारण है, वो है फोकस। ये फोकस है क्या? जिसके कारण एक जानवर को अपना भोजन मिलता है, एक मनुष्य को अपना लक्ष्य हासिल होता है। आप पढ़ रहे हो, आप जो भी कर रहे हो अपने जीवन में, आप जो कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप खेल रहे हो, आपका फोकस उस एक काम पर होना चाहिए जो आप कर रहे हो, तभी आपको अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। जब तक आपका फोकस एक उस काम पर नहीं होगा जो आप कर रहे हो, तब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। एक काम पर ध्यान केंद्रित करना ही फोकस है। आखिर ये फोकस इतना ज़रूरी क्यों है हमारी लाइफ में? ये फोकस ज़रूरी क्यों है? अगर आप फोकस नहीं करोगे तो आप अपने लक्ष्य से वंचित हो जाओगे। सभी लोग सफल होना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग सफल होते हैं। वही लोग सफल होते हैं जिनने अपना फोकस अपने लक्ष्य पर रखा है। आप अपना फोकस अपने लक्ष्य पर रखेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। जो भी सफल होते हैं उनका ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पर होता है। अगर आपको बचपन में आपने एक लेंस से एक कागज पर आग लगाई होगी, उन सब का क्या कारण है? जब लेंस के द्वारा हम सूर्य के प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित करते हैं तब उसमें आग लगती है। तो क्या है फोकस? यदि आपके कैमरे का फोकस सही जगह नहीं होगा तो आपकी फोटो सही नहीं आएगी। एक छोटा सा फोकस होने से आपकी फोटो सही नहीं आती है, और फिर आप लाइफ में जो कर रहे हो यदि आपका उस पर फोकस नहीं होगा तो आपको अपना लक्ष्य कैसे मिल जाएगा? सोच के देखिए। जब भी आपका फोकस किसी काम पर होगा तो आपको डिस्टॉर्शन आएंगे, बहुत सी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी कि आपका ध्यान जो है वो अपने फोकस से हट जाए और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। ये जरूर होगा। आप जब भी किसी काम पर फोकस करोगे आपको डिस्टॉर्शन आएंगी। डिसाइड आपको करना है, आप फोकस करोगे या डिस्ट्रैक्ट होगे। आखिर हम फोकस कैसे करें? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हम फोकस करना चाहते हैं लेकिन फोकस कर नहीं पाते। हम आपको आज बताएंगे आप फोकस कैसे करोगे किसी चीज़ पर। सबसे पहला जो काम होता है, आप जिस चीज़ पर फोकस कर रहे हो उसका आपको उद्देश्य पता होना चाहिए, उसका महत्व आपको पता होना चाहिए। कैसा? कि आप यदि पढ़ रहे हो तो आप यदि नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? आप पढ़ोगे तो आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे? आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में आपका लक्ष्य है कि आपको ये करना है, तो उसके बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा आपको ये पता होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप बोलते हो कि मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, खेलने चला जाता हूँ, पार्टियाँ करता हूँ, कुछ भी, कहीं भी आपको डिस्टॉर्शन आ रहा है। अब मान लीजिए आपका कोई फैमिली मेम्बर जिससे आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उसे आप हॉस्पिटल लेके जा रहे हो और किसी दोस्त का फोन आता है कि पार्टी करने चलते हैं, तो क्या आप डिस्ट्रैक्ट होगे? नहीं होगे ना। क्यों? क्योंकि आपके लिए वहाँ क्या ज़रूरी है, उनको लेके जाना। डिस्टॉर्शन वहाँ भी आएगा। मान लीजिए आपको ट्रैफिक मिल गया फिर भी आपको हॉस्पिटल जाना है तो आप रास्ता चेंज करोगे? आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। डिस्टॉर्शन आती है, आपको डिस्टॉर्शन से बचना है, अपने लक्ष्य को नहीं बदलना है, डिस्टॉर्शन से बचना है आपको। आपको अपने लक्ष्य से इस तरह प्यार करना है जैसे पानी में डूबने वाले के लिए ऑक्सीजन होती है। वैसे आप अपने लक्ष्य से प्यार करोगे, उसका उद्देश्य समझोगे, तो आप अपने लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। और फोकस आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आप जो कर रहे हो उस पर आपको फोकस करना ही होगा। यदि आप फोकस नहीं करोगे तो आप सफल नहीं बनोगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर करना।